स्टूडेंट्स, अपन स्वागत है आपका हमारे आर्य पब्लिक स्कूल वाले चैनल पे, जिसमें अपन 11th क्लास के यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि अपना चैप्टर सेकंड चल रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन के 11वें नंबर के वीडियो में आज आ चुके हैं। हम 10 वीडियो तक हमने क्या क्या कर चुके हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको एक बार समराइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने किया था यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वान्टिटीज, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ये हमने किया था। उसके बाद हमने किया था एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। उसके बाद में हमने किया था सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर। मैं आपको जो बड़े टॉपिक हैं उनके नाम बता रहा हूं, इनके बीच में हमने छोटे छोटे टॉपिक भी बहुत किए हुए, जो इनके सब टॉपिक्स होते हैं। इसके बाद में हमने किया था सिग्निफिकेंट नंबर, उसके बाद में हमने कर लिया था एरर्स। तो हमने ये चार चीजें कर ली है सेकंड चैप्टर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एक प्रैक्टिकल की चीज, जो कि हम जिसका उपयोग हम लैब में करेंगे, लैब में देखेंगे इस चीज को। इस चीज को आप, मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा, एक रफ डायग्राम, आप इसको बुक में से देखना, ताकि आपको ये कैसा दिखता है, क्या होता है, क्या इसमें चीज होती है, आपको ज्यादा पता चले। ओके, हालांकि मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा दिखे और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से आपको फील हो कि होता क्या है ये चीज। आज का जो अपना टॉपिक है बच्चों, उसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। क्या नाम है उसका? वर्नियर कैलिपर्स, ये नाम है। इसको हिंदी में बोला, हिंदी में लिखते हैं इस प्रकार से, वर्नियर कैलिपर्स। अब बात ये आती है कि वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है, वर्नियर कैलिपर्स के उपयोग क्या होते हैं, वर्नियर कैलिपर्स को क्यों उपयोग में लाया जाता है, ये चीजें हमारे सामने मुद्दे की चीजें हैं। सबसे पहले हम इन चीजों पर चर्चा करेंगे। वर्नियर कैलिपर्स को हम दो वीडियोज में बनाएंगे, एक दोनों वीडियोस में वर्नियर कैलिपर्स और वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर आधारित कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे प्रैक्टिकल्स के लिए भी और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। हमारा जो कंपटीशन होता है जेई मेंस, जेई एडवांस जो होता है, उसमें वर्नियर कैलिपर्स के से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं और बहुत बढ़िया सवाल आते हैं। ये नहीं कि लड्डू से सवाल आते हैं, बहुत बढ़िया सवाल आते हैं, एकदम शानदार सवाल आते हैं, लेवल के सवाल आते हैं, जो कि हमारे बुक में भी जिनका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ होता है उस लेवल के सवाल आते हैं, जिनके अबाउट, जिनके इर्द गिर्द अपन सिंपल तरीके से सोच भी नहीं सकते, ऐसे सवाल उसमें आते हैं। तो अपन चर्चा स्टार्ट करते हैं अपनी, अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। अब ये वर्नियर कैलिपर्स स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि एक कुछ हम चीज देखते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स को आप देखोगे तो आपको कोई पूछेगा वर्नियर कैलिपर्स, तो सिंपल आप यही बोलोगे कि वर्नियर कैलिपर्स से लेंथ मापी जाती है। तो लेंथ तो हमें जनरल स्केल यूज करते हैं लेंथ मापने के लिए। हमारी जो जनरल स्केल होती है, आपकी देखी हुई है जिसको हम फुट बोलते हैं, हमारी जो जनरल स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है। हम जिस जनरल स्केल का यूज करते हैं वो 15 सेंटीमीटर की होती है। वो कुछ जनरल स्केल इस प्रकार से होती है बच्चों, ये इस प्रकार से होती है। मैं पूरी स्केल नहीं बना रहा, फिर भी मैं आपको छोटा सा दिखा देता हूं। ये 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 वाली लाइन, 6, 7, 8, 9 और ये 1 वाली, इसका मतलब 0 और ये क्या हो जाता है? 1। फिर वही वापस 1, 2, 3, 4 और ये 1, 1, 2, 3, 4 और ये 2, ये 2 सेंटीमीटर वाली लाइन। अब ये कितना है बच्चों? ये पूरा 1 सेंटीमीटर है। ये 10 लाइनें क्या माप रही है? 1 सेंटीमीटर को माप रही है। 10 लाइनें 1 सेंटीमीटर को बता रही है, ये आगे की 10 लाइनें और 1 सेंटीमीटर को बता रही है। ये पूरा मिला के कितना बन गया बच्चों? 2 सेंटीमीटर तक। इसका मतलब हमारी जो पूरी स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर माप सकती है। 15 से ज्यादा इस स्केल से मापा जाता है, लेकिन वापस स्केल को रिपीट करना पड़ता है कंटिन्यूअसली। हमारी स्केल कितना माप सकती है? 15 सेंटीमीटर को माप सकती है। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हमारी स्केल कितनी माप सकती है, हमारी स्केल जो होती है जनरली जिस स्केल का हम यूज करते हैं उस स्केल की जो एक लाइन होती है वो कितना मापती है। जैसे कि इस लाइन से इस लाइन चले, इस लाइन से इस लाइन, तो हम कितना अंक आगे बढ़ रहे हैं देखना। ये पूरी लाइनें कितनी है? 10। पूरे कितने सेंटीमीटर माप रही है? 1 सेंटीमीटर। कितनी लाइनें? 10। तो कितना आ गया? 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारी स्केल की ईच लाइन, हमारी स्केल की प्रत्येक लाइन कितना मापेगी? 0.1 सेंटीमीटर मापेगी। अर्थात हमारी स्केल से छोटा मापन किए जा सकने वाला मान,
छोटे से छोटा मापन किए जा सकने वाला मान कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर होगा। इससे छोटी हमारी स्केल नहीं मापेगी, ये ध्यान देना। इससे छोटी चीज हमारी स्केल नहीं मापेगी बच्चों, ये ध्यान देना जनरली आप, कि इससे छोटी चीज हमारी स्केल के द्वारा नहीं मापी जा सकती। अगर कोई कह दे 0.1 से छोटी है तो हमारी स्केल उसको मना कर देगी, क्योंकि हमारी स्केल की पहली लाइन ही कहां से शुरू होती है? 0.1 से शुरू होती है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 10, मतलब 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, इस प्रकार से स्केल चलती है। इसका मतलब ईच डिवीजन ऑफ जनरल स्केल मेजर 0.1 सेंटीमीटर। जनरल जो स्केल होती है, सामान्य स्केल जिसका हम यूज करते आए हैं छोटे से लेकर अभी तक, उस स्केल का प्रत्येक भाग ईच डिवीजन कितना मापता है? 0.1 सेंटीमीटर मापता है। ये चीज याद रखोगे, कितना मापता है? 0.1 सेंटीमीटर मापता है। अब आपको कोई कह दे कि जब ये स्केल थी हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए, तो फिर आपको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ध्यान देना बच्चों इस चीज के ऊपर भी। अगर आपको कोई कह दे कि इसकी लेंथ 1.24 सेंटीमीटर है, कोई एक चीज है उसकी लेंथ कितनी है? 1.24 सेंटीमीटर है, तो ध्यान देना, ये 1.1, 1.2, ये तो हो गया 1.2 वाला, ये हो गया 1.3 वाला, लेकिन ये क्या है? 1.24। इसका मतलब ये 1.2 से तो बड़ा, 1.3 से छोटा। 1.24 1.2 से तो बड़ा और 1.3 से छोटा। हमारी स्केल इसका मान नहीं दे रही है, कहां बताओगे? कोई बच्चा इसको कह देगा 1.3, कोई बच्चा इसको कह देगा 1.2, क्योंकि ये 1.2 और 1.3 के बीच में है जो हमारी स्केल नहीं मापती है। यहां आके हमारी स्केल क्या हो जाती है? फेल हो जाती है बच्चों। इसका मतलब ये स्केल क्या नहीं दे सकती? इट कैन नॉट गिव प्रिसीजन अबाउट 2 decimal numbers। 2 decimal number cannot give precision up to 2 decimal places, cannot give precision up to 2 decimal places। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 decimal places, अर्थात ये जब 2 दशमलव के अंक आ जाते हैं, दशमलव के बाद जब 2 अंक आ जाते हैं, तो ये कुछ भी नहीं बताती है, ये टोटली फेल हो जाती है। कौन सी फेल हो जाती है? हमारी जनरल स्केल, जो हम जनरल, जिसको हम फुट बोलते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं बचपन से, वो स्केल हमारी फेल हो जाती है यदि हमारे किसी भी चीज का मान 1.24 हो। कोई बच्चा कह देगा 1.2 है, कोई बच्चा कह देगा 1.3 है, बट एग्जैक्टली कोई ये नहीं कह पाएगा 1.24 है। चलो किसी का दिमाग चल जाए, वो कह दे 1.25 है, लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं पहुंचे। तब किसकी जरूरत पड़ी बच्चों? तब वर्नियर कैलिपर्स, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स जो है वो आपको 2 decimal places तक एक्यूरेसी देगा, आगे भी 3 decimal places तक भी दे सकता है, बट यहां पे हमें जनरल आवश्यकता किसकी है? 2 decimal places। तो 2 decimal तक कौन देगा हमें? वर्नियर कैलिपर्स देगा। तब एक साइंटिस्ट आया और जिसने क्या आविष्कार किया? वर्नियर कैलिपर्स का। साइंटिस्ट कौन था? साइंटिस्ट था पेरी वर्नियर। कौन था? पेरी वर्नियर। साइंटिस्ट था बच्चों पेरी वर्नियर। यहां पे एक चीज ध्यान देना, मैंने जो आपको 0.1 बताया है, इसको बोला जाता है लिस्ट काउंट। क्या बोला जाता है इसको? लिस्ट काउंट। हिंदी में इसको बोलते हैं अल्पतमांक। अब बच्चों अल्पतमांक की परिभाषा क्या लिखेंगे? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। छोटा से छोटा मान जो कि किसके द्वारा मापा जा सके? उपकरण के द्वारा। आपके सामने रिप्रेजेंट है हमारी स्केल। इस स्केल में 0.1 से नीचे मैंने आपको कह दिया आप जा ही नहीं सकते, 0.1 से नीचे आप नहीं जा सकते।
0.1 से छोटा आप नहीं माप सकते, ये स्केल की एक लाइन, क्योंकि स्केल की पहली लाइन 0.1 से शुरू हो रही है, क्योंकि इसकी जो 10 लाइनें हैं वो 1 सेंटीमीटर बना रही है, 10 लाइनें मिलकर 1 सेंटीमीटर बना रही है, तो एक लाइन कितना बनाएगी, 0.1 बनाएगी, ऑब्वियस सी बात, कितना बनाएगी बच्चों, 0.1 बनाएगी। ओके, आई मेरी बात समझ में? अब बात ये आती है, लिस्ट अकाउंट क्या हो गया, लिस्ट काउंट, एल से डिनोट करेंगे, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट मेजर बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी उपकरण के द्वारा मापा जा सकने वाला छोटा से छोटा मान क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट, अल्पत मान कहलाता है। आगे मेरी बात समझ में? अब मैं चलता हूं वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, किसने बनाया और क्या आवश्यक, क्या जरूरत थी, जरूरत थी 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू निकालने के लिए। यह बनाया पेरी वर्नियर ने, पेरी वर्नियर ने बनाया 1631 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ, नाम इसका रखा गया वर्नियर वर्नियर कैलिपर्स। अब ये क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, इसकी छोड़ो, क्या नाम है, वर्नियर कैलिपर्स। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है बच्चों, मैं आपके सामने टोटली वो स्ट्रक्चर तो नहीं बनाऊंगा, आप बुक में देखना, इसकी स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगी, एक ऊपर जबड़ा होगा, एक नीचे जबड़ा होगा, वो जबड़े क्या काम करते हैं, सबसे पहले इसके लिए मैं आपको इसके यूजेज बता देता हूं कि इसके यूजेज क्या होते हैं। फर्स्ट यूज जो होता है बच्चों, वो इसका होता है टू मेजर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ स्मॉल रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट्स। क्या, टू मेजर लेंथ लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई, हाइट ऊंचाई मापने के लिए, ऑफ स्मॉल छोटे साइड साइज के, रेगुलर साइज का मतलब कंटिन्यूअसली होना चाहिए एक जैसे, उबड़काबड़ वाली चीजें नहीं, कंटिन्यूअसली एक जैसी वाली रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट्स के, लाइक क्यूब, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, इनके माप सकते हैं अपन, इनकी लेंथ को मापना, लंबाई को मापना, चौड़ाई ब्रेथ को मापना और ऊंचाई हाइट को मापना। ओके, सेकंड देखना बच्चों, टू मेजर डायामीटर और रेडियस, क्योंकि जब आप रेडियस डायामीटर निकाल लोगे तो डायामीटर को हाफ कर देना, रेडियस आ जाएगा, यही तो बात है, ऑफ स्मॉल स्फेयर सिलेंडर एंड कोई भी होल एटसेट्रा, कोई भी होल हो, स्मॉल स्फेयर हो, सिलेंडर हो, उसका डायामीटर निकाला जा सकता है। थर्ड क्या होता है, टू मेजर डेप्थ ऑफ बीकर, ग्लास, एटसेट्रा, मतलब बीकर वगैरह की गहराई मापी जा सकती है। फोर्थ नंबर होता है बच्चों, टू मेजर इंटरनल डायामीटर ऑफ होलो सिलेंडर, इसको मैं चलो यही लिख देता हूं, टू मेजर इंटरनल डायामीटर, स्पेलिंग में मत जाना बच्चों, ऑफ होलो सिलेंडर। ओके, ऑफ होलो सिलेंडर, चारों को एक बार दोबारा बता देता हूं मैं आपको,
टू मेजर लेंथ ब्रिथ हाइट एंड स्मॉल हाइट ऑफ स्मॉल रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट्स, जो छोटे और रेगुलर साइज के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसको हम करेंगे, हम करेंगे मतलब हमारे सिलेबस में है ये। टू मेजर डायामीटर, डायामीटर ध्यान देना ये बात दिमाग में रखना, जब भी कभी आपके हाथ में स्फेयर आए या सिलेंडर आए उसका डायामीटर ही निकलता है वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर सीधा रेडियस फाइंड आउट नहीं करता है, डायामीटर ही निकलेगा, डायामीटर को हाफ करना पड़ेगा रेडियस आ जाएगी। डायामीटर और रेडियस ऑफ द स्मॉल स्फेयर और सिलेंडर। टू मेजर डेप्थ ऑफ द बीकर ग्लास, बीकर और ग्लास के डेप्थ मापी जा सकती है। टू मेजर इंटरनल डायामीटर, अगर कोई होलो स्फेयर हो तो उसका इंटरनल डायामीटर भी मापा जा सकता है इसके द्वारा, क्योंकि इसके ऊपर दो जबड़े निकले हुए होंगे, नीचे दो जबड़े निकले हुए होंगे। ओके, करते हैं अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसका क्या होता है। वर्नियर कैलिपर्स बच्चों में दो स्केल होती है, एक तो होती है मेन स्केल, डायग्राम बनाऊंगा लास्ट में पूरा एकदम अच्छा सा, मेन स्केल, एक होती है वर्नियर स्केल। मेन स्केल को अपन मेन एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी नहीं है ये, मेन स्केल डिवीजन, इसको लिखेंगे वीएसडी, नोट वीरेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सिंह धोनी तो कोई है ही नहीं, वीरेंद्र सहवाग है, वीरेंद्र सिंह धोनी नहीं है, ये है वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर कैलिपर्स में कितने टाइप की स्केल है? दो टाइप की स्केल है, एक तो मेन स्केल होगी, एक वर्नियर स्केल होगी। वर्नियर स्केल की डिवीजन को लिखेंगे वीएसडी शॉर्ट में, वर्नियर स्केल डिवीजन, और मेन स्केल की डिवीजन को लिखेंगे एमएसडी शॉर्ट में, मेन स्केल डिवीजन। ये ध्यान रखना बात, आपके मुद्दे की बात तो ये है मेन। वर्नियर स्केल में सॉरी वर्नियर कैलिपर्स में कितनी स्केल? दो सेल, एक तो खुद वर्नियर के नाम से, एक मेन सेल स्केल के नाम से। ओके, ध्यान देना दोबारा, एक मेन स्केल, एक वर्नियर स्केल। देखना बच्चों, ये होती है अपनी ऊपर वाली मेन स्केल, इसके नीचे एक और स्केल लगी होती है वर्नियर स्केल। ये है अपनी मेन स्केल, ये है अपनी वर्नियर स्केल। मेन स्केल क्या लगाता हूं मैं, एक दो सॉरी थोड़ा सा बड़ा लगा देते हैं, एक दो तीन चार ये पांच छह सात आठ नौ और ये दस। वर्नियर स्केल जनरल, मेन स्केल जनरली आप देखोगे सेंटीमीटर में होगी, किस में होगी? सेंटीमीटर में होगी। वर्नियर स्केल के ऊपर कोई भी मान नहीं लिखा होता है, सेंटीमीटर में होती है, मिलीमीटर में होती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज देखते हैं। जनरली मैं कंडीशन बता रहा हूं आपको, 95% हमें यही मिलता है जो मैं आपको बता रहा हूं, जनरली 95% यही मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कई कई सवाल होते हैं वो एकदम ही उल्टे आ जाते हैं, उनकी बात अपन अभी यहां नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने सिलेबस में अभी नहीं है, 11th क्लास के सिलेबस में। अपन क्या करना चाह रहे हैं, जनरली जो 95% वर्नियर कैलिपर्स के बारे में है वो चीज बात कर रहे हैं। ये आ गया एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ ये दस, इसका मतलब ये पूरा बन गया एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर बन गया, दस लाइनें इसकी एक सेंटीमीटर मान रही है। इसका मतलब लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल कितना आ गया? 0.1 सेंटीमीटर है। यह ध्यान रखना चीज, जो हमने अभी नॉर्मल स्केल की निकाली थी, इसका मतलब जो हमारी मेन स्केल है उसका एक डिवीजन, लिस्ट काउंट का मतलब एक डिवीजन, एक डिवीजन 0.1 को मापता है। अगर एक आगे बढ़ेंगे तो 0.2, एक आगे बढ़ेंगे तो 0.3, 0.4, 0.5, इस कदर चलते जाएंगे। आई मेरी बात समझ? तसल्ली से समझना एकदम बच्चों, एकदम आराम से। दो वीडियो इसीलिए बनाऊंगा इसके ऊपर ताकि आपको आराम से, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा लेकिन समझना इसको अच्छा नहीं। वर्नियर कैलिपर्स की जो मेन स्केल, दो स्केल होती है मेन स्केल और वर्नियर स्केल, जो मेन स्केल होती है उसका लिस्ट काउंट होता है 0.1, इसका मतलब उसका ईच डिवीजन, प्रत्येक जो भाग होता है 0.1 सेंटीमीटर को मापता है, 0.1 सेंटीमीटर को मापता है। आगे बात समझ में? जनरली क्या होता है, इसका ये जीरो है, इसका भी जीरो मान लिया, यहां से शुरू हो गया एक दो तीन चार पांच, इसका पांच हो गया छह सात आठ नौ दस, पांच
छः सात आठ नौ दस, ये देखना बच्चों, ये इसका था नौ लेकिन वर्नियर का कितना आ गया दस। इसका मतलब मेन स्केल के नौ भागों में ही वर्नियर के दस भाग समाप्त हो गए। मेन स्केल के नौ भाग में ही वर्नियर के दस भाग समाप्त हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, नाइन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू टेन वर्नियर स्केल डिवीजन है। नाइन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू टेन वर्नियर स्केल डिवीजन। मेरी बात ध्यान से सुनना, गौर लगाना बच्चों, लड्डू वाली सी बात नहीं है, लड्डू खाओ मुंह में स्वाद आ जाएगा वो वाली बात नहीं, दिमाग यूज करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा देखना दोबारा, जीरो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, दस लाइनें वन सेंटीमीटर बताती है किसकी है, मेन स्केल। मेन स्केल में हमें बता रखा है इसने सेंटीमीटर में मापेगा, सेंटीमीटर में मापेगा, ये प्रूफ है क्योंकि इसने लिख रखा है इसके ऊपर। वर्नियर स्केल के ऊपर ये अज्ञात है, इसने कुछ नहीं लिख रखा है, ये हमें निकालना है, हैव टू फाइंड आउट विद, हमें निकालना है। ओके, इसकी हमने जनरली हम देखेंगे 95% जो वर्नियर कैलिपर्स हमें मिलेंगे या उसके सवाल मिलेंगे उसमें हम देखेंगे इसके नौ भागों में ही वर्नियर स्केल की 10 लाइनें समाप्त हो जाती है। इसका मतलब 9 MSD बराबर 10 VSD हो जाता है, 9 MSD बराबर 10 VSD हो जाता है। दोबारा सुनना, एक चीज और बताता हूं, मान लीजिए ये जो है वो मेन स्केल का एक लाइन है जो कितना माप रही है, ए माप रही है, ये वर्नियर की है कितनी माप रही है, बी माप रही है। ये मेन स्केल है इसका एक डिवीजन एक माप रहा है, ये वर्नियर स्केल है इसका एक डिवीजन बी माप रहा है, तो इस पूरे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा छोटा से छोटा कितना मान मापा जाएगा, ए या बी, नोट ए नोट बी, इसके द्वारा मापा जाएगा सी। क्या मापा जाएगा, सी। इसका मतलब है, और ये सी किसके बराबर होगा, सी बराबर होगा ए माइनस बी। थोड़ा सा गौर बच्चों, थोड़ा सा अपने माइंड को स्ट्राइक करो, हिलाओ ऐसे, वापस लाओ, कॉन्सेंट्रेट करो। क्या बताया मैंने, ये एक मेन स्केल का एक भाग, एक भाग का मतलब ये लाइन, ये छोटे वाला भाग, ये वाला भाग जो कितना माप रहा है, ए माप रहा है। ये वर्नियर का है जो छोटी वाली लाइन, बी माप रहा है। अब आप बोलोगे कि इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सबसे छोटा मापा जा सकने वाला माप, जिसको हम लिस्ट काउंट कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं, क्या ए या बी होगा, नहीं, ये होगा सी, विच इज द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए माइनस बी। ए क्या है, एमएसडी मेन स्केल का एक डिवीजन, बी क्या है, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन। इसका मतलब, मैं इसको ऊपर वाले को मिटा रहा हूं, चलो यहां कर देता हूं, लिस्ट अकाउंट, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD। इस चीज के ऊपर ध्यान देना, 1 MSD माइनस 1 VSD, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन, ये चीज ध्यान रखना, वो चीज आपको यहां समझ में आएगी। हमने क्या किया बच्चों, दोबारा से लाओ दिमाग को, लाओ ठंडा करो, ठंडा पानी पियो फ्रिज का। हमने देखा मेन स्केल की छोटा जो भाग है वो ए माप रहा है, मेन स्केल का छोटे से छोटा भाग ए माप रहा है, वर्नियर का बी माप रहा है, तो क्या ये पूरा मिला के ए माइनस बी मापे, ए या बी, कोई सा छोटा से छोटा कौन सा मापा जाएगा, छोटा से छोटा जाएगा इन दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी। इसका मतलब 1 MSD माइनस 1 VSD। ओके, अब मैं आपको वापस उस मुद्दे पे ले जा रहा हूं, 10 लाइनें किसके बराबर, 9 के बराबर, 9 MSD बराबर 10 VSD। इस चीज के ऊपर ध्यान देना बच्चों, 9 MSD बराबर 10 VSD। ओके, अब मैं आपको 9 MSD नहीं मान गए और कुछ एक अलग लेके चलता हूं, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। लेट NMSD इज इक्वल टू MVSD। यदि NMSD, N मेन स्केल डिवीजन, N डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 N किसके बराबर हो, M वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर हो, NMSD कैसे लिखेंगे, NMSD बराबर MVSD।
हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें इसका तो पता है सेंटीमीटर में, इसका पता नहीं है कि इसमें, तो इसका एक डिवीजन चाहिए। तो 1VSD बराबर क्या हो जाएगा, NYM MSD, ये लो इसका मान यहां रख देंगे, तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा बच्चों, 1MSD माइनस 1VSD, N माइनस M MSD, तो MSD तो आ गया कॉमन, ये आ गया बच्चों M माइनस N बट्टा M। अब देखो N क्या था, मेन स्केल का डिवीजन, मेन स्केल का डिवीजन कितने हैं, 9 में ही आ गए वो। M क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं, 10, तो इसका निकालो फिर क्या आएगा। और MSD का लिस्ट काउंट मैंने आपको कहा था 0.1 है, 0.1, और ये 10 माइनस 9 बट्टा 10 बराबर 0.1 गुणा 0.1 बराबर 0.01 सेंटीमीटर। पूरे वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना आ गया, 0.01 सेंटीमीटर, ऐसे निकलता है बच्चों। दोबारा से एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, चूहे खाने वाली सी बात मत करना, ध्यान से देखना। हमने देखा एक वर्नियर कैलिपर्स है जिसकी मेन स्केल जो है वो ए माप बता रही है, छोटा से छोटा, वर्नियर स्केल बता रही है बी, तो टोटल क्या बताएगी, ए माइनस बी। इसका मतलब लिस्ट काउंट क्या हो गया, 1 MSD, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। मान लिया कि वर्नियर स्केल के 9 भागों में, 9 मेन स्केल के 9 भागों में वर्नियर स्केल के 10 भाग आ गए, तो और माना कि NMSD इज इक्वल्स टू MVSD, NMSD बराबर MVSD, तो 1VSD बराबर NYMVMSD, ये फॉर्मूला यहां रख देंगे। हमने क्या माना है, 9 बराबर 10, 10 माइनस 9 बटा 10 बराबर 0.01। इसका मतलब इसकी एक लाइन, वर्नियर स्केल की एक लाइन 0.01 मापेगी। अगर मान लिया आपके पास वर्नियर स्केल की तीन लाइनें आ जाए तो कितना हो गया पूरा, 0.03 सेंटीमीटर हो गया, और मेन स्केल की एक लाइन चले तो 0.1, तीन चले तो 0.3। इसका मतलब क्या हुआ, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल बराबर 0.1 एंड लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल बराबर 0.01 सेंटीमीटर, ये हो गया बच्चों। क्योंकि हमने ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास वर्नियर स्केल के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ था कि आपको सेंटीमीटर में मापना है या मिलीमीटर में मापना है, तब हमने ये इतनी तामझाम की है। ओके, ध्यान देना बच्चों दोबारा से, ये मैंने अभी तक केवल आपका बेस बनाया है। अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्नियर कैलिपर्स की डायग्राम बना के एक रीडिंग लेके बताऊंगा कैसे होती है रीडिंग। ओके, तब तक के लिए आप घर पे पढ़ो और इस वीडियो को ध्यान से देखो, इस वीडियो को समझने का प्रयास करो, अगर कुछ नहीं समझ आया बच्चों तुरंत पूछो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।